देखिए, एक तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए हैं। आपके माध्यम से मैं कश्मीर की आवाम को, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर होने के नाते मेरी मेन जिम्मेदारी उनके प्रति बनती है, तो उनको मैं मेन इवेंट्स जो हमारा है उसके लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपको जैसे पता है कल हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं और सुबह 6 बजे SKICC में आप सबको आपको मैं इनवाइट करता हूं, आप इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे साथ जो है इस तिरंगा यात्रा में भाग लें। इसमें तिरंगा यात्रा हम SKIC से स्टार्ट करके बोटैनिकल गार्डन तक जाएगी और सुबह हम 6 बजे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप आए, हाथ में तिरंगा हो, इसमें कोई पास या किसी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग कोई भी सब इसमें आमंत्रित है जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा, 15 अगस्त का जो हम कार्यक्रम करने वाले हैं, इस बार जैसे आपको पता है अब हम बख्शी स्टेडियम में कर रहे हैं, पहले शेर कश्मीर स्टेडियम में कम जगह होने की वजह से बहुत लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता था। इस बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम सब आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आम आवाम जो है वो भी आ सकती है और कोई पास या उसकी आवश्यकता नहीं है। जिनके पास इनवाइट्स गए हैं उनके पास तो गए हैं, अदरवाइज आम जनता भी आ सकती है और वो आए और पार्टिसिपेट करें। और जो हमारा उत्सव है, क्योंकि ये पर्व केवल किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये पूरे देश के लिए पूरे गर्व की बात है और आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, उसके लिए बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, तो उसमें शामिल हो, ये मुझे आपके माध्यम से सपोर्ट। मैं तो कहता हूँ आप खूब इंटरनेट इस्तेमाल करें, अच्छे से करें और बढ़िया से करें, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है। और इस सब का क्रेडिट भी आप सभी लोगों को जाता है, मेरे कश्मीर के भाइयों को जाता है, बहनों को जाता है, कि जिन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जो हिस्टोरिक डिसीजन कोई नहीं ले पाते थे वो हमने लिया, और जब हमने लिया तो उससे भी और आगे आके लोगों ने उसमें हमारा तैयारियाँ पूरी हमारी हो चुकी हैं। कल जैसे मैंने आपको कहा कि आप तिरंगा यात्रा में जब हमारे साथ चलेंगे तो आगे आपको फिर रिफ्रेशमेंट भी हमने उसका भी इंतजाम किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, तो ये एक खुशी का और पर्व की बात है। तो एज ए फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटिंग इट और आप देख ही रहे हो बाकी काम भी जो है हो चुके हैं। और 15 अगस्त के लिए भी आपने देखा है कि स्टेडियम जो है हमने इस बार बड़ा इसलिए लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट। और भी अगेन जैसे रिस्ट्रिक्शंस की बात होती है, केवल और केवल सिक्योरिटी के कंसर्न में जो ट्रैफिक के हिसाब से थोड़ा बहुत रोकते होंगे जहाँ तक है वहाँ तक रहेगी, अदरवाइज जो नॉर्मल रूटीन है ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट वो चलता रहेगा। देखिए, माननीय एलजी साहब ने आपको पहले ही अवगत करा दिया, जब एक बार उन्होंने बोल दिया है तो फिर मेरे बोलने का कोई लॉजिक नहीं होता है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई आप मीटर लगवाइए, एक बार क्रॉस चेक कीजिए, अगर आपका बिल पिछली बार से कम ना आए तो फिर, या फिर वो एक्स्ट्रा चल रहा हो तो आप हमें बताएं, डेफिनेटली विल टेक। 15 अगस्त की शाम को भी कुछ जिमनास्टिक और इसका भी कुछ हम प्लान कर रहे हैं, मतलब वी आर प्लानिंग समथिंग। आपकी जो रिक्विजिट सिक्योरिटी है वो तो हमें अरेंज करनी ही है, वो हमारा मेन दायित्व भी है, तो बाकी जैसे कहा कि सिक्योरिटी रहे, और मतलब सिक्योरिटी रहेगी लेकिन उससे जो अननेसेसरीली की कभी रिस्ट्रिक्शन लगा करती होगी वो अब नहीं है। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब हम भी स्कूलों में थे, या हमें अगर आप याद करोगे, आप भी स्कूलों में रहे हैं, आपने भी कभी पीछे मुड़ के देखोगे तो वो इवेंट आपको ज़रूर याद रहा होगा जब कोई चीफ गेस्ट आया होगा और आपने उसमें परफॉर्म किया होगा, वो आज भी आपको याद रहा होगा कि हाँ भाई ये है। बेशक आपको किताब की दो बातें कम याद रही हो, बट वो अच्छी मेमोरीज आपको ज़रूर याद रहती है। इससे क्या होता है कि एक सद्भावना बढ़ती है, लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें होता है, और बच्चे हमारा भविष्य है तो उनका पार्टिसिपेशन करना इस इवेंट में वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, कि जो बच्चे हैं फिर वो उसको इम्बाइब कर रहे हैं, कल्चर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ज़िंदगी भर वो याद रखेंगे कि भाई हमने कैसे ऐसे पार्टिसिपेट किया था।